नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। जाने कितनी ही गीता आपने सुनी भी होगी, परंतु मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं भगवत गीता की एक और व्याख्या। क्या विशेष है इस गीता में? गीता में अगर कुछ विशेष हैं तो वो हैं श्री कृष्ण। बाकी हम सब निमित्त हैं, साधन हैं। लेकिन ये मेरा खास प्रयास है कि हमारे आज के जमाने में ये ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए, आसानी से गीता को हम सब समझ पाएं और अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर पाएं। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, सुना गया है। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया हो। ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय पर यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शक भी होती जा रही है? एकदम साधारण भाषा में अगर कहें तो भगवत गीता एक उत्तर है। गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका के उत्तर श्री कृष्ण भगवत गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट, हर डायलमा का उत्तर है गीता। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। अरे भाई, इसे आप वेद या उपनिषद समझ करके डरिएगा मत। ये मत सोचिए कि ये हमारी और आपकी समझ से दूर है। इसके हर अध्याय, हर श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर शंका, उसका हर डर, हर समस्या, वैसे देखा जाए तो हमारी ही परेशानी है। और हर परेशानी का हल बता रहे हैं श्री कृष्ण। कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, उन्हें अपने जीवन का सारथी भी मानिएगा। उनके कहे अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम सारी परेशानियों को आसानी से पार कर जाएंगे। ज्ञान या धर्म या ग्रंथ की बड़ी बड़ी बातें मेरे साथ नहीं होगी दोस्तों, यहां पर जीवन की प्रैक्टिकल सच्चाइयों और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाएंगी। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं भगवत गीता के 18 अध्यायों के सफर पर।